लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यार समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से देख रहे होंगे। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर कर दें। इससे अच्छा डिप्लोमा का कंटेंट किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। आप कंपेयर कर लें मेरे कंटेंट को, मेरा जो मैं दे रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट हम धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते जाएं फ्रेंड्स। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय समाकलन में ये लेक्चर नंबर, समाकलन में मेरा लेक्चर नंबर ये 3 होने वाला है, ये तीसरा लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बेसिक को कम्प्लीट किया। दोनों लेक्चर की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पहला आपको इंटीग्रेशन दिया है वो ये दिया है, दूसरा जो दिया है वो ये दिया है, तीसरा वो ये दिया है, ये दिया है। आप अगर मैथ देख रहे हैं तो आप रजिस्टर और पेन को उठाइए और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और देन आप आंसर को मैच कराइएगा। ये तरीका होता है पढ़ने का। आप ऐसे लेट के देख रहे हैं वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा। आप किसी कोचिंग में भी जाओगे, वहाँ बैठ के आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप मेरे से पढ़ो या किसी से पढ़ो, बट यार आपको लिख के पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है sec x plus tan x, sec x minus tan x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको अंश और हर के फॉर्म में गिवन हो, तो यहां पे करते हैं परिमेयकरण। क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण करके इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप और भी कई मेथड हैं उनसे भी सॉल्व करिए, हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे ट्राई करूँगा, बट डायरेक्टली मैं इसको देख के बता सकता हूँ। अब कोई बोलेगा आपको सर कैसे पता कि परिमेयकरण ही करना है, हमें तो नहीं हिट करता। जैसे जैसे दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको भी आने लगेगा, ठीक है। अब इसमें करना है परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब है sec x plus tan x, जो हर में गिवन होता है उसी का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec x minus tan x, यहाँ पे इसमें माइनस साइन का है तो इसमें sec x, जैसे यहाँ पे a माइनस बी होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता a प्लस बी। यहाँ पे sec x minus tan x है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा sec x plus tan x अपॉन sec x plus tan x। इसको मल्टीप्लाई करने से इस समीकरण में या इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कोई अंतर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि sec x plus tan x अब बटे में sec x plus tan x एक होता है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। बट जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो समीकरण या जो इक्वेशन या sec x cos x का जो फॉर्म हमें गिवन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, इंटीग्रेशन लगाया sec x plus tan x, sec x plus tan x क्या बना? sec x plus tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। a plus b, a plus b तो a plus b का होल स्क्वायर। ये क्या बना? sec x minus tan x into sec x plus tan x। तो जब ये ऐसा होता है a plus b a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरा फोन आ रहा था इसी वजह से मैं वहाँ देख रहा था, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या बना? sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बन गया। देखो sec x plus tan x का होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। अब आपको तीन आइडेंटिटी पता होंगी। तीन आइडेंटिटी जो होती हैं त्रिकोणमिति में, वो आप यहाँ पे नोट, वही मैं बोला ना, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पानी की तरह बनेंगे। कैसे बनेंगे? पानी की तरह। देखो पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये आपने पढ़ा होगा। सेकेंड आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन,
और थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इन तीन आइडेंटिटी की हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना लोगे। अब ये आइडेंटिटी कहाँ यूज़ हो रही है, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है सेकेंड वाली, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है वन, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों वन। तो ये अब इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन अब इतना बचा sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये तो अपॉन में वन हो गया, ये खत्म हो गया। इसको ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या बना sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू sec x टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बना sec स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लो, प्लस ये बना टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, या इधर पे एक सेकेंड, इसको क्या अलग कर सकते हैं, ये sec स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा टेन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बनेगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें sec स्क्वायर एक्स का समाकलन का फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, ये हमें पता है। तो हमने टेन स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया, प्लस टू sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया dx। अब ये यहाँ पे दोस्तों बनना है टू sec स्क्वायर x प्लस टू टेन एक्स इंटू sec x माइनस वन dx। इतना हमने यहाँ पे बना लिया, इसके आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये बन के आ गया इंटीग्रेशन टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू sec एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और क्या बन के आ गया माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इतना बन के आ गया। आगे टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, ये क्या बचा sec x tan x dx माइनस वन डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का भी बताया tan x प्लस टू sec x का, sec x tan x का क्या होता है, sec x tan x का होता है sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx का sec x, ये हो गया sec x, और वन का मैंने बताया था x प्लस ये कांस्टेंट c, c लिख दो, ये आपका सॉल्व होके आंसर आया टू tan x प्लस टू sec x माइनस x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने इसका परिमेयकरण किस तरीके से सॉल्व करके हमारा ये आंसर आया, और ये मेथड इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण को बोलते हैं रेशनलाइजेशन किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये तीन आइडेंटिटी मैंने बेसिकली इस आइडेंटिटी की नीड थी या इस समीकरण की हमें ज़रूरत थी, लेकिन मैंने ये दो और बता दी। आप कॉपी में जब नोट करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन क्यू एक्स डी एक्स, और आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने हैं, साइन थ्री ए का थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, ये फॉर्मूला है आपका साइन थ्री ए का, एंड कॉस थ्री ए का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए।
दो फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 3 sin A - 4 sin Q A, ठीक है। cos 3A = 4 cos Q A - 3 cos A। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ से ये साइन क्यू एक्स गिवन है, यहाँ पे ये क्यूब आ रहा है, तो sin 3X = 3 sin A sin X, एक ही जगह X, -4 sin Q X ये बन रहा है, sin 3X - 3 sin X = -4 sin Q X ये बन रहा है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा, -sin 3X + 3 sin X = 4 sin Q X। तब sin Q X = 3 sin X - sin 3X/4। बस जितना था वो यहीं तक था ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन दोस्तों। इसके बाद आपको जस्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब साइन क्यू एक्स क्यू की जगह पे क्या पुट करें, साइन क्यू एक्स की जगह ये 3, क्योंकि साइन क्यू एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता, 3 sin X - sin Q X / 4 dx। ये क्या बना, इंटीग्रेशन 3 sin X / 4 - sin Q X / 4, इसका इंटीग्रेशन dx। ये क्या बना, 3/4 sin X dx। ये क्या बना, 1/4 sin 3X dx। ये sin 3X है, ठीक है। अब ये बना 3/4 साइन एक्स का क्या होता है, -cos X - 1/4। यहाँ पे आएगा आपका प्रतिस्थापन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इतना तो आंसर कंफर्म हो गया, -3/4 cos X। इसको अभी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन sin 3X dx का, sin 3X का बच रहा है, 3X को मान लो t, तो 3 dx का क्या हो जाएगा, 3 dx का dt, तो dx = क्या हो जाएगा, dt/3। पुट कर दो sin t dx की जगह dt/3, ये आया 1/3 sin t dt, और sin का क्या होता है, -cos t, तो -cos t 1/3 cos t की जगह पे क्या पुट करना है, 3x। तो ये ओवरऑल सॉल्व हो के आ रहा है, -1/4 पहले से, ये क्या आ रहा सॉल्व होके, -1/3 cos 3x प्लस कांस्टेंट। तो आपका जो आंसर आ रहा है 3/4 cos X + 1/12 cos 3X + कांस्टेंट आंसर। ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, cos 3X, और मैं 3-4 क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क में देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको उनका आंसर बताना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट का आंसर सही होगा मैं उनका नाम अपने लेक्चर में लूँगा और उनको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से नोट करूँगा। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नोट कर लें होमवर्क में, 1 + sin X, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये सेकंड 1 + cos X, ये सेकंड है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, sec²X + cosec²X dx, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, integration sin Qx - cos Qx / sin²X / cos²X dx। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस का जो आंसर सही देगा उससे पेटीएम 10 रुपीस का
कैश दिया जाएगा पेटीएम के थ्रू, उसे 10 रुपीज़ का कैश दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर जैसे जैसे आप लोग के लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मनी बढ़ती जाएगी। ठीक है ये सब आपकी हेल्प से चलेगा। ठीक है तो ये 4 आंसर जिनके करेक्ट होंगे कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप जुड़ने के लिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक होगी या डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी, वहाँ जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है तो इसको सॉल्व कीजिए।